हम कर्नाटक मैसूर से आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, तो हम आज का दिन आना करके बहुत जद्दोजहद के साथ हम आए इधर। तो हम आने का मकसद ये NOC CAC के वास्ते आए हैं, और है ना हम किसी तरह से हम ये नहीं होने का ये वादा करके आए हैं। और है ना हम डेली ये साइन बात का न्यूज़ देखते रहते थे, हमको एक दिलचस्पी हुई, हम इधर भी जाना, हमारे माँ बहन मेरा भाई लोग सभी इधर प्रोटेस्ट में है, हम जाके उस प्रोटेस्ट को कामयाब करना करके हम आए। मैं कर्नाटक से आया हूँ, मेरा नाम सैयद खदीर भारतिया, मैं फार्मर्स एसोसिएशन कर्नाटका फार्मर्स एसोसिएशन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। खदीर ये CAA NRC जो गवर्नमेंट लाई है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कई सालों पहले आधार कार्ड बन गया है, हमारा वोटर ID बन गया है, और दोबारा हमें दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट जो चार पूछ रही है खाली भेदभाव करने के लिए, पार्टीज करने के लिए ये इस्तेमाल कर रही है, बस एक ही कौम के लिए उन्होंने खिलाफ कर रहे हैं, बस उसी लिए हमारा विरोध है। मैं शाहीन बाग के लोगों को मैं समर्थन देने आया हूँ, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आया हूँ, और हम कर्नाटका फार्मर्स एसोसिएशन से पूरी तरह से तन मन धन से मैं सपोर्ट करने के लिए मेरे एसोसिएशन की तरफ से मैं आया हूँ। वो बोल रहे हैं, लेकिन आम जनता सारे हिंदुस्तान में, सारे इंडिया में आज पूरी इकट्ठा हो रही है। एक काम जो हमारा साथी जो बताए, पूरे हिंदुस्तान में पूरे भाई भाई हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, आवाम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम इज एकदम सुप्रीम पावर है हिंदुस्तान के अंदर। शाहीन बाग में बैठी है प्रदर्शन करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे शाहीन बाग बन गए, तमाम जगह जो जो शाहीन बाग बनी है उनको भारतीय जनता पार्टी कहती है ये पाकिस्तान है, और 8 तारीख को दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। वो उनका तो है, उनका वही मुद्दा है, लेकिन आम जनता उनका पॉलिटिक्स उनका जो भी ये है मालूम हो चुकी है। नोटबंदी किया उससे क्या भी फायदा नहीं पहुंचा, जो रोजगार देने का वादा किया था वो भी नहीं होता, वो सारे जनता के नज़र में झूठे बन गए हैं। उनकी बात कोई नहीं चलेगी, उन्हों धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान की जनता उनको तिरस्कार कर दिए।